सेड मेरा नाम है सोनाली सक्सेना एंड इस चैनल पर मैं फैशन रिलेटेड कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना ताकि जो भी न्यू अपडेट्स हैं नोटिफिकेशन हैं वो आपको मिल पाए। एंड गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इंस्टाग्राम के कुछ स्टोर्स जो कि आपको जो है कपड़े प्रोवाइड करते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आप वहाँ से कपड़े परचेज कर सकते हैं और सबके साथ मेरा कुछ अलग अलग ही एक्सपीरियंस रहा है सो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो डेफिनेटली आप वहाँ से उन प्रोडक्ट्स को उन कपड़ों को परचेज कर सकते हैं एंड साथ ही और कुछ भी ट्राई कर सकते हैं जो भी आपको पसंद आए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करनी है, काफ़ी सारा एक्सपीरियंस भी है तो टाइम बिल्कुल भी हम वेस्ट नहीं कर सकते तो स्टोरी टेलिंग नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में सिर्फ काम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो गाइस सबसे पहले मैं शेयर करूंगी अभी सबसे रीसेंट वाली चीजें। तो सबसे पहले तो मैं शेयर करूंगी ये दो क्रॉप टॉप। फर्स्ट है ये वाला क्रॉप टॉप सी, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा लाइक ऑरेंज टाइप का ही शेड है, ऑरेंज ब्राउन शेड मिक्स्ड है और बहुत ही प्यारा सा यू नो ब्रालेट टाइप का टॉप है, क्रॉप टॉप है बट ये पूरी ब्रालेट वाली तो पूरी वाइब दे रहा है, मुझे तो ब्रालेट ज़्यादा लगता है क्रॉप टॉप कम लगता है। तो ये जो भी है ये बहुत ही मस्त है और इसकी जो इसमें जो लाइक पैड लगे हुए हैं वो बहुत ही सॉफ्ट एंड बहुत ही कम्फर्टेबल हैं तो ये तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। यहाँ पर ना तीन बटन्स भी दे रखे हैं यहाँ पे नीचे। सो पहनने के बाद ये बहुत मस्त लग रहा था एंड बहुत ही कंफर्टेबल है और मैंने इसको लिया था सी शेल करके एक वेबसाइट है वहाँ से लिया था। एक्चुअली मेरे पास ना एक कोलैबोरेशन आ रहा था, मैंने आपको बता चुकी हूँ पहले भी, मेरा एक और अकाउंट है सोनाली सक्सेना के नाम से इंस्टाग्राम पर और उसमें मेरे पास 4000 से ऊपर फॉलोअर्स हैं और एक साल से मैं उस पर काम नहीं कर रही थी, अब थोड़ा करने लगी हूँ। सो उसकी वजह से क्या होता है कि मेरे पास कोलैबोरेशंस आते रहते हैं और मेरा एक चैनल है जिसपे 55,000 सब्सक्राइबर्स हैं। सो कुछ उसकी वजह से भी मुझे कोलैबोरेशंस वगैरह आते रहते हैं, हालांकि अब मैं उन चैनल्स पर काम नहीं करती हूँ क्योंकि वहाँ पर लाइक मुझे फैशन में ज़्यादा इंटरेस्ट था और फैशन वाला चल नहीं रहा था क्योंकि वो हेल्थ वाला था मेरा यूट्यूब चैनल। और रही बात इंस्टाग्राम की, वहाँ पर मैंने खिचड़ी पका रखी है, मैं पता नहीं वहाँ पे जो मन करना था वही डालती रहती थी तो शायद उसकी वजह से ग्रो नहीं कर पा रहा था इसलिए मुझे नया अकाउंट बनाना पड़ा था। सो अभी मेरा वेरोनिका वाला है जिस पर मैं काम करती हूँ, वहीं पर मैं अवेलेबल सबसे ज़्यादा होती हूँ तो अगर आपको मुझे कभी भी DM करना है तो आप वहीं पर करना और डेफिनेटली आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। खैर तो ये वाला टॉप मैंने लिया था सो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद जो है नेक्स्ट मेरे पास ये वाला टॉप है जो कि ब्लैक कलर का है, देखने में तो बहुत ही सेक्सी है एंड बहुत ही मस्त लग रहा है बट पहनने में भी बहुत अच्छा है, मतलब वैसे इसमें कोई कमी नहीं है बट क्या है कि मुझे हैबिट नहीं है वायर्ड वाले कोई भी ब्रालेट ब्रा या टॉप पहनने की तो इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है क्योंकि मैं वायर्ड वाले ना नहीं पहनती हूँ, मुझे अनकंफर्टेबल लगते हैं। बट अगर आपको वायर्ड वाले से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पहन लेते हो तो डेफिनेटली फिर तो ये आपके लिए एकदम परफेक्ट है, आप परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे छोटी सी चेन दे रखी है, स्ट्रिप्स है एंड ये इतना मस्त लगता है ना पहनने के बाद, स्पेशली इसमें जो फिटिंग आती है एंड बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसको आप जो है स्कर्ट्स के साथ, क्रॉप टॉप के साथ डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यू नो स्टाइल कर सकते हैं, क्रॉप टॉप के साथ कैरी क्रॉप टॉप को क्रॉप टॉप के साथ तो जीन्स के साथ स्कर्ट के साथ डिफरेंट डिफरेंट तरीके से स्टाइल कर सकते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है। तो क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी तो वाइज दोनों की बहुत अच्छी है, सीशेल के बट सीशेल के जितने भी कपड़े थे उसमें ये सबसे सस्ता मैंने ढूंढ के निकाला है बाकी सब। और ये भी मैं बता दूँ आपको, ये भी मुझे लगता है कि बहुत महंगे ही थे, मुझे याद नहीं है यार लिटरली याद नहीं क्योंकि मुझे ना पॉइंट्स मिले थे और उन पॉइंट्स से मुझे परचेज करना था तो मुझे लिटरली प्राइस याद नहीं है बट ये सबसे सस्ते थे, वहाँ पर 1500-2000 से कम का कुछ था ही नहीं, सब कुछ बहुत ज़्यादा महंगा था, बहुत ज़्यादा महंगा। सो आपको टॉप परचेज करने ये वाले तो डेफिनेटली आप इनको परचेज कर सकते हैं, बल्कि और भी दे रखे थे इस टाइप के तो आप और कोई भी देख सकते हैं बट इनकी क्वालिटी लिटरली बहुत टॉप नोच है, बहुत अच्छी है लिटरली। सो डेफिनेटली आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है गाइस, अभी वेरोनिका वाले पर मेरा जो फर्स्ट कोलैबोरेशन आया था वो इस ब्रांड का आया था और मैं बहुत खुश थी। तो मुझे वहाँ से कुछ पार्टी वेयर कपड़े आए हैं, कुछ क्या मतलब सिर्फ दो ही आए हैं, एक क्रॉप टॉप आया, एक ड्रेस आई है
तो मैंने पिक्चर्स वगैरह भी पोस्ट की थी एंड वीडियो भी शूट करके रील वगैरह भी शेयर की थी। सो इस टॉप के लिए तो वैसे बहुत बैड कमेंट्स भी आए हैं, स्पेशली यूट्यूब पर। इंस्टाग्राम पर तो किसी ने कुछ नहीं बोला, बट यूट्यूब पर तो बैड कमेंट्स भी आए हैं, बहुत गंदा टॉप है, बिल्कुल पसंद नहीं आया, फलाना फलाना। ठीक है, इसको ज़रूरी नहीं है कि हमें ऐसे ही पहनना है, आप इसको शर्ट के साथ वेयर कर लो, ठीक है, किसी और चीज़ के साथ भी वेयर कर सकते हो। और मेरी मम्मा आई थी ना अभी थोड़े दिन पहले, तो वो तो मुझे ये सलाह दे रही थी, हम एक काम करते हैं इसके अंदर ना छोटी छोटी सी ना इस कलर का कपड़ा ला के ना स्ट्रिप्स लगा लेते हैं, तो फिर ये कंफर्टेबल हो जाएगा और मैं कहीं भी पहन पाऊंगी। तो वो आइडिया भी मुझे उनका अच्छा लगा। तो खैर हम बात कर रहे थे इस टॉप की, तो इसकी क्वालिटी गाइस बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है, बिकॉज इसका जो मटेरियल है ना गाइस वो इतना सॉफ्ट और इतना अच्छी क्वालिटी वाला सैटिन यूज़ हुआ है ना, मतलब मुझे लिटरली इन दोनों जो कपड़े हैं इनकी क्वालिटी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है। उसके बाद ये थोड़ा सा ना बस मुझे लूज की प्रॉब्लम हो रही थी, फिटिंग इसकी परफेक्ट नहीं आई, थोड़ी सी ज़्यादा है, मुझे लगता है एक साइज और कम होता ना तो मुझे परफेक्ट आती, बट ये लाइक मुझे एज अ PR में मिला है और सो अब ठीक है यार जो मिला है ठीक है, बट मुझे पसंद बहुत आया ये, लाइक इसका डिज़ाइन वगैरह सब कुछ मुझे बहुत पसंद आया, कोई मुझे कमी लगी नहीं, बस फिटिंग की प्रॉब्लम आई है, वो भी साइज़ का इशू है तो वो तो हो सकता है सॉल्व, बाकी हाँ बहुत अच्छा है ये वाला टॉप। इसके बाद जो नेक्स्ट है गाइस वो है ये वाली ड्रेस, और मैंने सोचा है इन फ्यूचर कभी कोई पार्टी हुई कुछ हुई ना तो मैं डेफिनेटली इस ड्रेस को वेयर ज़रूर करने वाली हूँ, ये इतनी मस्त है यार। सबसे पहले तो वही फैब्रिक की बात करूँ, फैब्रिक इतना अच्छा है, लाइक मतलब मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतना अच्छा फैब्रिक मुझे मिलेगा, बट इसका फैब्रिक इतना मस्त है, इतनी अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक है ना, बहुत ही अच्छा सैटिन है, ये जो ब्लैक वाला पार्ट है इसका मटेरियल भी काफ़ी ज़्यादा थिक है और इतना अच्छा है, इसके साथ ना सबसे अच्छी बात है मुझे ब्रा पहनने की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, लाइक मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, बहुत अच्छा लग रहा है, या फिर शायद आप समझ सकते होंगे अगर आप मुझे अपने आप से रिलेट कर पाए। सो बहुत ही अच्छी है ये वाली ड्रेस एंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड कलर कॉम्बिनेशंस तो दे रखे हैं, ब्लैक ब्लू सब कुछ बहुत प्यारे हैं, एंड बहुत ही यू नो क्लासी वाइब देती है ये वाली ड्रेस तो। सो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई है, एंड डेफिनेटली आप इसको भी परचेज कर सकते हैं, एंड ये जो ब्रांड है इसका नाम है प्लम एंड पीचीज लिखा हुआ है, हाँ प्लम एंड पीचीज है, और आप डेफिनेटली इस आउटफिट को भी परचेज कर सकते हैं, एंड इनके पास ना और भी बहुत सारी वैरायटी है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें भी चेकआउट कर सकते हैं, एंड मुझे इतना तो आइडिया लग चुका है कि इन लोगों की आप कोई भी चीज़ परचेज करेंगे ना तो सबकी क्वालिटी सबकी अच्छी पानी है, लाइक फैब्रिक सबका अच्छा ही होगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट आइटम की, तो अभी नहीं मैंने आई थिंक मुझे तो लगता है 2 साल होने वाले हैं इस आउटफिट को, मैंने अंडमान गई थी 2 साल पहले और वहाँ पर मैंने इस आउटफिट को वेयर किया था, लाइक कॉर्सेट है, बहुत ही ब्यूटीफुल है और वहाँ पर बीच वाला यू नो पूरी वाइब आती है वहाँ पर अंडमान में, वाइब क्या आती है, बीच ही है वहाँ पर, सिर्फ बीच ही बीच है घूमने के लिए, अगर आप वहाँ पे जाओगे तो सिर्फ आपको बीच ही बीच मिलेंगे। सो वहाँ पर हम गए थे एंड मैंने सोचा हुआ था कुछ इस टाइप का लेना है, सो मैंने मॉम स्टिच ब्रांड पर देखा था ये वाला कॉर्सेट एंड ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद आ रहा था तो मैंने वहाँ से इसको परचेज किया, और ये इतना अच्छा है ना गाइस, इतना अच्छा है। सबसे पहले तो ठीक है ये आउटफिट तो बहुत अच्छे हैं ही, इसके अलावा जो इसकी ओनर है वो इतनी स्वीट है, इतने अच्छे से बात करती हैं, आपको रिस्पॉन्स करती हैं, कोई भी इश्यू है तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगी, लाइक बहुत अच्छे अच्छा है अच्छे हैं वो, मतलब क्या ही कहूँ मैं, बहुत अच्छे हैं। तो मेरी तो लाइक बातचीत हो चुकी है उनसे, इंस्टाग्राम स्टोर है तो इंस्टाग्राम पर ही बात हुई थी मेरी, और इनकी जो क्वालिटी है गाइज वो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इनके पास इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइन हैं, बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन हैं, तो आप चाहे तो इनके और भी डिज़ाइन चेकआउट कर सकते हैं। सो मुझे बहुत अच्छा लगा, मॉम स्टिच उनकी जो मॉम है वो स्टिच करती है एंड वो ऑनलाइन स्टोर देखती है, तो मतलब बहुत ही इंस्पिरेशन भी मिलती है मतलब उनको देख करके मुझे, सो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे ये आउटफिट एंड ये पहनने के बाद इतने क्यूट एंड इतने सुंदर लगते हैं, इतने प्यारे लगते हैं ना, तो मुझे तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये पूरा का पूरा फुल आउटफिट। ये क्रॉप टॉप है एंड ये इसके साथ स्कर्ट है, सो दोनों एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है एंड मुझे लगता है कि वो शायद कस्टमाइज भी करते हैं तो आप अपने हिसाब से शायद बनवा भी सकते हैं, आई डोंट नो मैं क्लियर नहीं हूँ, बट शायद मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी था सीन, सो आप बात कर सकते हैं, और जितने भी ये इंस्टाग्राम स्टोर है सबका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो डेफिनेटली आप उनके स्टोर पर जा करके चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं गाइस नेक्स्ट आइटम की,
के बारे में मैं शेयर कर देती हूँ। सो गाइज, एक क्लाउड टेलर करके इंस्टाग्राम स्टोर है एंड उनका अपना एप्लीकेशन भी है उनकी। लाइक ये ना हमारे हिसाब से हमारी जो आउटफिट होती है उसको डिजाइन करते हैं, हम जैसा कहेंगे वैसा हमें ये बना के दे देते हैं। लाइक एक ऑनलाइन ना बुटीक है, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से स्टिच करवा सकते हो, अपने खुद के डिजाइन स्टिच करवा सकते हो, इनफैक्ट अपना कपड़ा भी दे सकते हो। सो उन्होंने मुझसे बोला था कि आप कोई साड़ी दे दो या अपनी मॉम पे कोई इस तरह की चीज़ें दे दो, और फिर मुझे साड़ी वाली तो कोई समझ आई नहीं थी, और मुझे जिस तरह का कॉन्सेप्ट बनवाना था उसके लिए साड़ी तो बिल्कुल नहीं चाहिए थी। तो मुझे ना एक ब्लैक कलर का स्कर्ट एंड इस तरह का कोई टॉप चाहिए था, और इसके लिए मुझे ना मैंने खुद से लाइक कपड़ा परचेज किया था, एंड परचेज करके उसके बाद मैंने उनको जो है ये शेयर किया था, और उन्होंने इतना अच्छा बना के दिया इसको, मतलब मैं क्या कहूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये पूरा का पूरा आउटफिट। और इसकी क्वालिटी लिटरली इतनी अच्छी है ना, बहुत अच्छी क्वालिटी है। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे पता है क्या लगी, कि इनकी फिनिशिंग, लाइक कपड़ा तो मैंने ही दिया था तो कपड़ा की क्वालिटी तो डेफिनेटली अच्छी ही होगी, बट इन्होंने इतनी सफाई से स्टिच किया है, लाइक बहुत अच्छी फिनिशिंग है, बहुत अच्छे से सफाई है लाइक स्टिचिंग में, लाइक मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और अगर आप वहाँ से कुछ बनवाते हो ना, तो आप खुद फील करोगे कि लाइक बिल्कुल प्रोफेशनल वाली फील आती है, ऐसा नहीं लगता कि किसी ने ऐसे ही घर में सिल के दे दिया। लाइक एक एक चीज़ इसकी जो स्टिच की गई है ना, और इतनी सफाई से की गई है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, बट बहुत ही सफाई से इसको स्टिच किया गया है, सो बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और मैंने इसके साथ फोटोशूट वगैरह भी किए हैं और रील भी बनाई थी, और जो भी चीज़ें रहेंगी मैं डेफिनेटली आप लोगों से शेयर कर दूँगी, स्क्रीन पर आ जाएंगी। सो बहुत ही अच्छा है ये वाला भी। और प्राइस तो वैसे मुझे इनमें से ना एक्चुअली ज़्यादातर मेरे पास कोलैबोरेशन वाले हैं, और कुछ कुछ मैंने परचेज भी किए हैं, सो जो भी प्राइस वगैरह हैं अगर मुझे मिल जाएंगे तो मैं डेफिनेटली आप लोगों से शेयर कर दूँगी, और अगर लिंक भी मिल जाएंगे तो लिंक भी शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। सो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट आइटम की, और नेक्स्ट आइटम जो है गाइज वो तो ज़रूर शेयर करूँगी। तो गाइज यहाँ पर जो नेक्स्ट आइटम है वो है सबसे पहले तो एक क्रॉप टॉप है, सेकेंड चीज़ ये धोती स्कर्ट है। सो ये मैंने परचेज किए थे अपटोनी ब्रांड से। सो यहाँ पर थोड़ी सी स्टोरी है, बिकॉज एक्सपीरियंस थोड़ा सा इतना कुछ खास रहा नहीं है। पहली चीज़, स्कर्ट जो है वो मुझे बहुत लूज आई थी, और ये जो टॉप था इसमें जो ये चीज़ें ये तो सही थी, बट ये जो क्रॉप टॉप आया था ये इतना ज़्यादा छोटा था कि मेरी बॉडी में घुस ही नहीं रहा था, तो मैं वियर नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, इसका एक साइज़ छोटा ले लेंगे, इसका एक साइज़ बड़ा ले लेंगे, और मैं ऐसा कर लेती हूँ। तो मैंने वहाँ पर जो है एक्सचेंज के लिए रिक्वेस्ट डाली थी, तो वहाँ से आया कि मुझे जो है जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी मेरे अकाउंट में पैसे मिलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है चलो ओके कोई बात नहीं, और शायद ऐसा भी कुछ था कि डिलीवरी चार्जेस वगैरह लगेंगे समथिंग, बट ठीक है यार मेरे को प्रॉब्लम थी तो फिर मैंने सोचा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है 50-100 रुपये लेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कम से कम चीज़ तो सही मिल जाएगी, तो इसलिए मैंने अप्लाई कर दिया था। सो अप्लाई करने के बाद मैंने वेट किया, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, एक हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना, कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया उन इसको लाइक लेने के लिए। और वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ था कि आपको बॉक्स जो है संभाल के रखना है, ठीक है। तो मैंने काफ़ी दिन तक संभाल के रखा, बट बॉक्स की हालत ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बेकार थी, पहले ही जब आया था तब भी इतनी कुछ खास नहीं थी, बट वो रखे 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 उसकी हालत बहुत बेकार हो गई थी, और फिर मेरी उम्मीद भी ख़त्म हो गई थी, मुझे लगा कि अब तो आएगा ही नहीं कोई लेने, तो मैंने इसलिए उस बॉक्स को तो हटाई दिया और इन कपड़ों को उठा के अलमारी में रख दिया। अब 3 महीने के बाद मेरे पास कॉल आई और उन्होंने कहा कि आपका एक्सचेंज है, और फिर मुझे इतना गुस्सा आया ना यार, एक्सचेंज के लिए तुम 3 महीने बाद आओगे तो 3 महीने तक मैं कहाँ से बॉक्स को और सारी चीज़ों को संभाल के रखूँगी, मुझे क्या पता कि तुम 3 महीने बाद आओगे। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, एंड मुझे वो चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। आई थिंक ये चीज़ जो है उन्हें सही करनी चाहिए, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो, और हो सकता है आप सही भी हो गई हो, क्योंकि आई थिंक लास्ट ईयर की बात है ये, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुका है, तो हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो, बट मुझे ये इशू हुआ था और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी। सो मैं थोड़ी सी यू नो डिस्टर्ब हो गई थी इस चीज़ से, और फिर मैंने दोबारा से वहाँ से शॉपिंग की नहीं।
हालांकि वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कपड़े आते हैं एंड मेरा बहुत मन भी करता है देख देख के, बट एक्सपीरियंस इतना बुरा हो गया तो मेरा दोबारा हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं दोबारा से वहाँ से परचेज करूँ। खैर तो ये दो आइटम्स हैं जो मैंने परचेज किए थे और पहनने के बाद दोनों ही बहुत गॉर्जियस लगते हैं। इसको तो मैं रबड़ वगैरह लगा करके पहन लेती हूँ, टाइट मैंने अभी तक नहीं कराया क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता। स्टिचिंग करवाने के लिए मुझे बड़े ही पंगे होते हैं क्योंकि मुझे कोई ढंग का ना टेलर नहीं मिलता, तो ये बड़ा इशू है मुझे। सो इसलिए ये वाला मैंने स्टिच करवाया। सेकंड जो है ये टॉप है एंड इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप स्टाइल कर सकते हो। और क्रॉप टॉप की ये इसकी बात करूँ तो मैं, मेरे पास H&M का टॉप पड़ा हुआ है, ट्यूब टॉप है, उसके साथ इसको वेयर कर लेती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखने में तो दोनों बहुत अच्छे हैं, पहनने में भी दोनों अच्छे हैं, बस ये एक डिलीवरी वाला इशू थोड़ा सा मेरे साथ गलत हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट आइटम की तरफ। अब थोड़े बहुत ना एक आध आइटम के और थोड़े से ऐसे बैड एक्सपीरियंस रहे हैं वो भी शेयर कर देती हूँ। मेरे पास फोन कहाँ गया मेरा। सो गाइस इसके बाद जो नेक्स्ट आइटम है वो है अमोली क्लोथिंग करके इंस्टाग्राम का स्टोर है उसका है, और जहाँ से मैंने सबसे पहले तो परचेज क्या किया था मतलब एक्चुअली उनसे ना मेरा कोलाब्रेशन वाला सीन था, बट उन्होंने मुझे ऐसे फ्री में नहीं दिया था। उन्होंने मुझसे बोला था कि आपको जो है हमारे यहाँ से आइटम को एक चूज़ करना है, लाइक ख़रीदना है, और फिर ना हम जो है दोनों को ही बेनिफिट होगा, आपकी ऑडियंस को इतना परसेंट मिलेगा, फलाना 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 ऐसा कुछ कोलैबोरेशन था। और अगर आप कुछ परचेज करते हैं तो मैंने सोचा चलो ठीक है यार, लाइक एफिलिएट बोलते हैं ना इसको, तो मैंने सोचा चलो ठीक है कर लेते हैं और हो सकता है बेनिफिट हो जाए, वैसे करना ही नहीं चाहिए कोलैबोरेशन। सो मैंने कर लिया, मैंने परचेज किया वहाँ से एक लाइक ड्रेस था, आउटफिट था लाइक येलो कलर का, मैं यहाँ पर शेयर कर दूंगी, रील मैंने बनाई थी उसमें। सो मैंने उसको परचेज किया और जब वो आया ना वो इतना ज़्यादा लूज था, बहुत ज़्यादा लूज था। अब उसको मैंने किसी तरह से रबड़ वगैरह लगा करके पहन भी लिया, रील भी बना के दे दी, बट वो इतना ज़्यादा लूज था मैं उसको क्या ही करती रख के। सो मैंने ना उसको जो है रिक्वेस्ट डाली कि ये मुझे बहुत ज़्यादा लूज है, और वो मैं बताऊँ मैंने मंगवाया था सबसे छोटा वाला साइज़ और वो आया था मीडियम साइज़, तो इतना ज़्यादा बड़ा था, इसलिए वो फॉल्ट भी उनका था मेरा नहीं था, तो इसलिए मैंने एक्सचेंज की रिक्वेस्ट डाली और कि भी मुझे जो है गलत साइज़ आया है, आप जो है मुझे सही साइज़ दे दो और ये मुझे परफेक्ट नहीं हो रहा। तो उन्होंने बोला कि एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे और जो अमाउंट है वो आपके ही अकाउंट में आएगा। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, फिर अकाउंट में पैसे आ भी गए ठीक है, और मैंने सोचा चलो ठीक है, अब इसमें तो मैंने रील बनाई ली थी, अब वैसे भी परसेंटेज वाला कुछ सीन है कि ऑडियंस को, मैंने कहा एक आध आइटम और ले लेती हूँ, उसमें तो रील बनी गई है शेयर कर दूंगी और एक और आइटम ले लेती हूँ और उसमें जो है रील बना के डालूंगी तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाएगा। तो मैंने ये सोच करके कुछ और आइटम परचेज किया, लाइक मैंने ये वाली साड़ी ऑर्डर की, वीडियो में हो सकता है आपको अच्छी लग रही होगी बट ये अच्छी है नहीं, और मैंने जो एक्सपेक्टेशन थी वो बिल्कुल भी नहीं है, कपड़ा बिल्कुल ही अलग है और जो मैंने सोचा था वो बिल्कुल ही अलग है। तो मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ही बेकार निकली और मैंने इस साड़ी को ना अभी तक खोला भी नहीं है, ये बिल्कुल इसके अंदर जो कागज वागज होता है वो सब लगा हुआ है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही, मैंने लिटरली नहीं खोला। और इसको स्टाइल करते हुए वीडियो बना दूंगी बाद में, स्क्रीन पर आ जाएगी, आ भी रही होगी, बट लिटरली मतलब मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी ना वो पानी में चली गई, और मतलब मुझे पसंद नहीं आया ये चीज़ कि मंगाओ कुछ और आता कुछ है। मैंने मंगवाया सबसे छोटा साइज़ था और आया मीडियम, उसके बाद फिर मेरे अलग से चार्जेस भी लगे, और चार्जेस लगे तो लगे, उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट आइटम मंगाया वो उम्मीद कुछ और की थी और आया कुछ और है। सो लाइक मुझे लगता है कि अमोली से अगर आप कुछ परचेज कर रहे हो तो आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर जो दिखता है लाइक वही मीशो वाला थोड़ा सा सीन है, मीशो तो फिर भी काफ़ी ठीक होता जा रहा है, तो जो दिखता है ना वो वैसा नहीं होता, मतलब क्वालिटी इतनी अच्छी आई थिंक होती नहीं है। मुझे क्वालिटी का थोड़ा सा इशू है, मुझे लगता है कि क्वालिटी आप मंगवाओगे ना तो क्वालिटी शायद इतनी अच्छी नहीं मिलेगी, और मिल भी गई तो थोड़ा सा ये पंगे रहेंगे कि मंगवाओ कुछ और आता कुछ और ही है, तो ये थोड़ा सा इशू रहा है इस ब्रांड के साथ में, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट आइटम की तरफ, तो ये हमारा आखिरी आइटम है, ये है एक साड़ी और ये इतनी सुंदर है और इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। तमायरा फैशन करके एक इंस्टाग्राम स्टोर है और ये भी मुझे एज अ
मैंने कहा एजा, सो उनकी भी एज अ कोलाब्रेशन मिली थी और वहाँ पर ये था कि मुझे साड़ी को परचेज करना है और वो मुझे जो है मेरा अमाउंट वापस दे देंगे, तो उन्होंने मुझे मेरे पैसे वापस दे दिए थे और उनके साथ जो कोलाब्रेशन हुआ था उसमें ये साड़ी मुझे मिली थी। उसके साथ ब्लाउज का कोई पीस नहीं था, ये मैंने अलग से परचेज करके और फिर स्टिच करवाया था ब्लाउज, बहुत ही सुंदर स्टिच करवाया है और बैग भी बहुत प्यारा है इसका। सो ये जो साड़ी है ना गाइस, ये बहुत सुंदर है, इसका प्रिंट बहुत सुंदर है और ये मैंने ना अमेजोन से परचेज की थी। इनकी जितनी भी आइटम्स हैं वो अमेजोन पर भी अवेलेबल है और वेबसाइट का मुझे याद नहीं है, है या नहीं है या क्या है, बट होगी तो मैं डेफिनेटली आप लोगों से शेयर कर दूंगी और इस साड़ी का भी जो लिंक है वो भी शेयर कर दूंगी, आप डेफिनेटली इस साड़ी को परचेज कर सकते हैं। एंड आई होप आप लोगों को जो आइटम्स मैंने दिखाई हैं वो सब बहुत पसंद आई होंगी। एंड गाइज इस साड़ी की क्वालिटी लिटरली बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा प्रिंट है इसका, एंड गर्ल्स भी पहन सकती हैं एंड हर कोई पहन सकता है, बहुत अच्छी साड़ी है एंड क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है। और आई होप आपको सारी की सारी आइटम्स पसंद आई होंगी, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा एंड कौन कौन सी चीज़ें आपको पसंद आई हैं। और गाइज आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय गाइज़।